हेलो फ्रेंड्स, आई एम शोमी। आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ रीजियन का रैपिडो स्लिम इंडक्शन ओवन। मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेस किया हूँ और इसी का एक छोटा सा लुक आप लोगों को दिखाऊंगा और किस तरह से ये चलता है ये सब। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँगा कि ऑनलाइन में मैंने इसको लिया हूँ फ्लिपकार्ट से, तो इसी वजह से मुझे बहुत ही कम कीमत में ये मिला है और बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग करके भेजा है सेलर ने, नो डाउट। और इसकी अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा इस तरह से कितना अच्छा फीचर्स मिलता है, सारे स्पेसिफिकेशन भी। और साथ ही साथ मैं पहले बता देता हूँ इसका जो कीमत है वो 2100 रुपीज़ है और ओरिजिनल जो कीमत है वो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, आप लोगों को आगे दिखाऊँगा, 3856 रुपीज़ है जहाँ तक मुझे याद है। तो इसको खोल के और इसके साथ साथ इसको ऑन करके छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा। तो पहले ये निकल लेता हूँ, बहुत ही टाइट करके ये पैकेजिंग किया है सेलर ने, नो डाउट। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 ईयर्स की वारंटी, 2100 वाट और स्लिम फीचर्स और 35% एनर्जी सेविंग्स है कि आज के डेट में आप लोग जानते हो गैस की जो कीमत है बहुत ही महंगा होने हो रही है हर दिन बे दिन। यहाँ पर भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है और इस तरफ अगर आप क्लोजअप लुक देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 3856 रुपीज़ इसकी MRP है। मैंने ये ऑनलाइन से लिया हूँ तो जो ऑफलाइन में होता है उनके लिए ये प्राइस होता है कि वहाँ पे बिजली का बिल होता है, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनकी सैलरी होता है, टैक्स पे करते हैं, तो उसके लिए इतना अलग से चार्ज होता है। मैंने ये ऑनलाइन से लिया हूँ तो वहाँ पे ये सब इन सारे चार्जेस को मेंशन नहीं किया जाता है, इसीलिए मुझे 2100 रुपीज़ मिला है। तो आप लोग देखते रहो, मैं इसके सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों को सारे चीज़ दिखाऊंगा। वैसे इसके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप आज के डेट में घर में इस्तेमाल करते हो ये चीज़ देख लो, ये इसकी वारंटी कार्ड है, ये इसके साथ इसके 1 ईयर्स का वारंटी मिलता है आपको, ये ब्रांडेड कंपनी रीजियन है। मुझे इसके साथ साथ TCL का भी मिल रहा था फिर मैंने इसको जानबूझ के नहीं लिया, मैं PGN का लिया, ये भी एक ब्रांडेड कंपनी है। और 2100 वाट मतलब बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी दिया हुआ है जैसे कि अप डाउन, पॉज, ऑन ऑफ और सारे फंक्शन, प्लस माइनस करके आप चाहो तो इसको बढ़ा के या फिर घटा के आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए अलग तरह का जो कटोरी होता है या फिर जो कुकिंग करने के लिए जो एलुमिनियम का चीज़ नहीं होता है, स्टील का लगता है शायद, तो ये सारे चीज़ अलग से लेना ज़रूरी है जो कि मैंने लिया है। मैं आप लोगों को आखिरी में दिखाऊंगा इस सारे जो मैंने परचेस किया हूँ और एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ मेरे पास अभी फ़िलहाल। मैं इसको प्लगिंग करके ऑन करता हूँ और मेरे पास एक प्रेशर कुकर है, तो मैं मुझे ये प्रेशर कुकर जब मैं इसको बिठाऊंगा मुझे इसमें प्रेशर कुकर का ऑप्शन शायद दबाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑटो फीचर्स है, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि क्या बिठाया इसके ऊपर। तो मैं इसके ऊपर प्रेशर कुकर थोड़ा सा पानी भर के दिखा देता हूँ कि गर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये है प्रेशर कुकर, थोड़ा सा पानी डाल के अभी मैं इसका ऑन करूँगा, तो देखते रहिए ना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले चीज़ अगर इसमें जो एल्युमिनियम का चीज़ अगर बिठाओगे आप लोग तो शायद वो इसको नहीं लेगा और उसकी वजह से इसके अंदर एक फीचर्स है जो कुछ इंडिकेटर के टाइप से या फिर बजर के टाइप से होता है, आवाज़ निकलते हैं टी 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 करके कुछ साउंड होता है, तो अगर आप इसके अंदर फिट नहीं बैठेगा तो वो साउंड निकलेगा अंदर से। सारे फीचर इसके अंदर दिया हुआ है और मैं थोड़ा सा भरा भरा के दिखा देता हूँ कि पानी गर्म होता है या नहीं होता है। तो अभी देखो अंदर थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, पानी गर्म हो रही है। और अगर इस जितना ज़्यादा वाटेज के आप लोग इस इंडक्शन ओवन तो उतना ही बेहतर होता है क्योंकि बाजार में 1800 वाट का या फिर 2000 वाट का भी मिलता है, मैंने 2100 वाट को चुना इसीलिए। ये ईयर दिखा रही है और एक साउंड हो रही है क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ नहीं बिठाया, इसीलिए वापस से इसको बिठाऊंगा तो ये आवाज़ बंद हो जाएगा।
एक बजट टाइप का होता है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो अपने आप में ये प्रेशर कुकर का जो फंक्शन है वो ले लिया। और इसके लिए मैंने जो कह रहा था कि मैं ये भी फ्लिपकार्ट से परचेस किया हूँ, आप लोग चाहो तो, ये प्रेस्टीज का है, ये भी बहुत ही महंगा है, 2500 के आसपास था, मुझे ये 1300 रुपये में मिल गया। और कुछ इस तरह का होता है इसका, अगर आप इस तरह से इसी चीज़ का लोगे तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये प्रेस्टीज कंपनी का है, और प्रेस्टीज का मतलब बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, अच्छा चीज़ भी होता है। तो मैंने इसका भी 1 साल का वारंटी था, और मैंने इसका सारे सामान फिट करके रखा हूँ। ये तवा है, इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हो, और इस तरह रोटी के लिए अलग से है, ये तीनों एक साथ मुझे कॉम्बो में मिला है 1300 रुपीज़ में। तो यही एक छोटा सा चीज़ था, और ये सारे चीज़ इसमें इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे जो देख रहे हो ये पुश बटन, इसी से इसको लगाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।